नमस्कार दोस्तों एस एस सी अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है अभी हमसे एक लोग मिले क्या एस बी आई के जो इम्प्लॉय होते हैं वो ये हैं वो हैं बैंक के इम्प्लॉय ये हैं वो हैं हम क्या हमारे जी डी वाले दूर से अड्डा फेंक के मार देते हैं बातें खत्म हो जाता है तो ये अभी थोड़ा सा एक हंसी खुशी का माहौल चल रहा था वो बता रहे थे कि बैंक में ऐसे ऐसे चलता है हम क्या उसी बैंक के बाहर जी डी वाले अड्डा चलाते रहते हैं तो कोई बात नहीं है ये सब राजकाज है मुझे तो अच्छा लगेगा अगर मेरा स्टूडेंट भिड़ा रहेगा मतलब पॉजिटिव वे में ही नहीं कि दिल लत्तम गुस्सा उसी में किए हुए हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास का मजेदार ढंग से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या रहेगा ठीक है ना पहला क्वेश्चन क्या रहेगा इससे पहले कि मैं पहले क्वेश्चन पे जाऊं लेकिन आपको मैं थोड़ा सा बताऊं क्या बताएंगे सर आप बताना ये चाहता हूं कि भैया देखो 50 फ्रेश क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा उसके बाद उसके बाद डिस्कस किया जाएगा हम लोग आपके अन्य चीजों को अच्छा आप लोग के लिए भी एक सुखद सूचना दे दूं कल आई बी एस का करेंट अफेयर का पेड क्लास का डेमो वन है आपकी भी इच्छा हो तो आप दोपहर में एक बजे ये कल फ्री लगवाऊंगा तो आप आ सकते हैं ठीक है ना कल पेड का डेमो क्लास ऐसे तो मैं एक बजे क्लास लेता हूं लेकिन कल पेड की एक क्लास लूंगा ठीक है अब आ जाइए तिरंगा देश का अपने आंखों के सामने जब लहरा रहा हो तो भाई सेल्यूट करना तो बनता है अब शुरुआत करेंगे आज के सेशन की रोज की तरह सेशन की शुरुआत ऐसे होगी कि शुरू में हम लोग 50 क्वेश्चन पहले फ्रेश पढ़ेंगे और उसके बाद 50 क्वेश्चन रिवीजन की तरफ जाएंगे आइए पहले 50 फ्रेश क्वेश्चन की तरफ चलते हैं देखते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है बताइएगा हाई कोर्ट ये सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं है देखिए सर अगर उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की आप बात करेंगे तो संविधान के भाग छे में इसके बारे में हमें जिक्र मिलता है और इसका जो नियुक्ति की अगर आप बात करेंगे तो राष्ट्रपति करता है शपथ उनको राज्यपाल दिला देते हैं चीफ जस्टिस ऑफ कोर्ट की बात कर रहा है ठीक है ना अच्छा शपथ कौन दिलाएगा तो राज्य का राज्यपाल दिला देगा उनको अगला पॉइंट मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी शाहजहां ने जहांगीर ने बाबर ने या फिर अकबर ने देखिए सर मनसबदारी मनसब बेसिकली क्या हुआ करता था एक पद हुआ करता था उसको जो धारण करता था उसे मनसबदार कहा जाता था जैसे आज जिसके पास जमीन है वो जमींदार है तो अकबर के समय मनसबदारी प्रणाली न सिर्फ अकबर ने मनसबदारी प्रणाली लाया था लल्ला बल्कि इन्होंने आपको याद होगा दह साल बंदोबस्त भी लाया था ठीक है ना दह साल प्रणाली भी इन्होंने लाया था इन्होंने अपने जीवन काल में जबती प्रणाली भी लाया था इन्होंने अपने जीवन काल में तोहीद ए इलाही अब आप कुछ लोग कहोगे कि सर दीन ए इलाही ना तो मैं कहूंगा हां वो आप सही कह रहे हो लेकिन उसी को तौहीद ए इलाही के नाम से भी जाना जाता है ठीक है ना तोहहीद इलाही ये ये भी इन्होंने ही शुरू किया था और अकबर ने सुलह ए कुल की नीति वगैरह की भी शुरुआत की थी तो इसका क्या राइट आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन अकबर मनसबदारी प्रणाली लाने में जिस व्यक्ति का प्रमुख रूप से हाथ था वो कौन था टोडर मल ठीक है ना टोडर का प्रमुख रूप से हाथ था और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं भारत बांग्लादेश भूमि समझौते के संशोधित संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया जरा समझिएगा यह जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट यह जो भारत के बीच में बांग्लादेश के बीच में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है वो है सौवा संविधान संशोधन ठीक है ना अच्छा 100वां संविधान संशोधन ये है अगर यहीं पे मान लो क्वेश्चन आ जाता कि अनुच्छेद 100 में क्या दिया हुआ है तब आप आंसर क्या करते कि सर अनुच्छेद 100 में क्या दिया है हमेशा याद रखना अनुच्छेद 100 में कास्टिंग वोट की बात की गई है या फिर मेरे लल्ला निर्णायक मत की बात की गई है जो आपके कौन देते हैं लोकसभा के अध्यक्ष देते हैं क्लियर है अगला पॉइंट आते हैं देखते हैं अगला क्या बनेगा निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिला लेखों का अर्थ स्पष्ट किया था मतलब कि उसको पढ़ने में सफलता हासिल की थी देखिए अशोक के शिला लेखों को खोजा किसने था अगर क्वेश्चन ये आता तो इसका आंसर हो जाता टी पाथेंडलर आपको मैंने कई बार आपके ये खोजा था लेकिन पढ़ने में सफलता हासिल की थी जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अगर शिला लेखों की बात की जाए तो अशोक के शिलालेखों में नंबर एक शिलालेख में है जीव हत्या की निंदा की गई है दूसरे मतलब जीव हत्या ना करे पशु बलि की निंदा की गई दूसरे में पशुपालन और पशुओं के दवाओं और जीव के दवाओं का पशु पक्षियों के दवाओं का वर्णन है छठवें शिलालेख में संयम सेल्फ कंट्रोल का वर्णन है तेरहवें वाले में से आपके से, कल युद्ध का वर्णन है अशोक के शिला चार लैंग्वेज में है ब्राह्मी अरमाइक और ग्रीक ठीक है ना तो इसका राइट आंसर निम्न में से कौन सा दिन अंतरराष्ट्रीय एल्डर्स दिवस ओल्डर्स डे जो वृद्ध जन दिवस होते हैं उनके लिए सर यह दिवस मनाया जाता है एक अक्टूबर को क्लियर है एक अक्टूबर भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है अब याद करो इस समय गांव में कौन सा फसल बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है सर इस समय सरसों मटर गेहूं ये सब बोया जा रहा है मतलब रबी की फसल बोई जा रही है मतलब डी ऑप्शन गेहूं को प्राचीन समय में हम लोग किस नाम से जानते थे वैदिक युग में तो गोधूम के नाम से जानते थे चावल को हम लोग वैदिक युग में किस नाम से जानते थे तो ब्रीही के नाम से जानते थे ब्रीही के नाम अगर हम लोग गेहूं की बात करें तो भारत में इसका सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है अगर हम लोग प्रतिशत वाइज बात करें गेहूं का तो सबसे बड़ा उत्पादक पंजाब है ठीक है ना पंजाब है यूक्रेन विश्व में गेहूं के बड़े उत्पादकों में से एक है क्लियर है चलेगा अगले प्रश्न के ऊपर जाएंगे गेहूं से थोड़ा आगे निकल करके किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है सर यूनाइटेड नेशन ने अठारह सो अक्टूबर को जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी जी के जन्म दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया क्लियर है सभी के लिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पटना जिले में स्थित नाखस पिंड का संबंध है किस चीज से ये बहुत ऐतिहासिक जगह है नाखास पिंड पटना जिले में स्थित नखास पिंड का संबंध है सोच so, समझ के बताइएगा बिहार में पटना जो उसकी राजधानी है उसका संबंध किससे है सर बी ऑप्शन सविनय अवाज्ञा आंदोलन ये वो सविनय अवाज्ञा आंदोलन है जिसे 1930 सौ ईस्वी में गांधी जी ने शुरू किया था पर्टिकुलर किस जगह से तो दांडी नामक जगह से हालांकि इन्होंने शुरू किया था दांडी जो गुजरात में पड़ता है भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है बताइएगा संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है सोच समझ के आंसर करो शुरू के 50 क्वेश्चन आराम आराम से फिर 50 क्वेश्चन रैपिड फायर के अंदाज में तो भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग हुआ है संविधान में कहीं भी नहीं फेडरल शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं है आ कितने लोग तुक्का मार रहे थे सही से बताओ पहले कितने लोग तुक्का मार रहे थे तुक्का वालों देख लो स्थिति ठीक है ना संघीय शब्द नहीं है यार उसमें बारह लाचा दर्रे के दोनों ये दर्रा है जिसे आप पास कहते हैं। बारा दर्रे के दोनों किनारों पर से निकलने वाली जो जो जल धाराएं चंद्रा और भागा निम्न में से कौन सी नदी बनाती हैं? बताइएगा तो सर चंद्रा और भागा चिनाब ठीक है ना अच्छा इसमें एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है जैसे इन नदियों का प्राचीन नाम भी आपसे वैदिक नाम भी आपसे पूछ देता है और ये जो झेलम नदी है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कुछ हद तक बाउंड्री का भी कार्य करती है यह भी याद रखेगा रावी का पुराना नाम क्या है परुषणी वैदिक युग में परुषणी चेनाब का क्या है अस्कनी ठीक है ना चेनाब का क्या है अस्कनी हुआ करता है सिंधु का स, आपके क्या है सिंधु को हम लोग देखो वैदिक युग के समय सत, आ, सिंधु के ही नाम से बुला लिया करते थे झेलम को हम लोग किस नाम से बुलाते बताइएगा झेलम को परुषणी अस्कनी झेलम आपको बताना है सतलज को सतुद्री एक लोग बोल रहे हैं सर सतलज सतलज सतुद्री है नदीतमा आपके उसको कहते हैं सरस्वती नदी को वितस्ता ठीक है ना वितस्ता।, वितस्ता वितस्ता क्लियर हुआ चलिए अगले पॉइंट पर आएंगे अगला अगला पॉइंट देखते हैं बाबूजी के उपनाम से किन्हें याद किया जाता है बाबूजी ऑप्शंस में बताइए बाबूजी किसे कहा जाता है देखिए सर बाबूजी कहा जाता है प्रसिद्ध रूप से जगजीवन राम को ठीक है ना श्री कृष्ण सिंह को बिहार के केसरी के रूप में भी याद कर लेते हैं महात्मा गांधी को बापूजी कहा जाता है यहां बाबूजी है बू और पू में अंतर है आप समझ ही रहे ये ब है वो प है दैट इज सावधान का कौन सा संविधान होगा ना संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है मतलब क्रॉसिंग द फ्लोर या फिर एंटी डिफेक्शन लॉ दल बदल की राजनीति को रोकने के लिए संविधान में एक संवैधानिक संशोधन हुआ यह संशोधन 1989 में हुआ और बावनवे के नाम से प्रसिद्ध है ठीक है ना बावनवा संविधान संशोधन अगला निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज से संबंधित है यह सभी को पता होगा जब उन्नीस में जवाहरलाल नेहरू जी ने लाया था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम फेल हो गया तो 1957 में बलवंतराय मेहता समिति के अंडर में एक उनके अंडर में एक समिति बनी उस समिति की सुझाव पे पंचायती राज आया और पंचायती राज का जनक बलवंतराय मेहता को कहा जाता है इन्होंने थ्री टीयर पंचायती सिस्टम की अनुकंपा की मतलब अनुशंसा की और ये थ्री टीयर पंचायती सिस्टम प्रयोग के तौर पर प्रायोगिक ठीक है ना प्रयोगिक तौर पर सबसे पहले कहां लगा था तो प्रयोगिक तौर पे लगा था सर ये आंध्र प्रदेश में लेकिन सही तौर पे इसको कहां लगाया गया था तो उन्नीस सौ अंठानवे में एक साल के प्रायोगिक तौर पे अगला पॉइंट कौन विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को लूटकर अपने साथ ले गया मयूर सिंहासन इसको तख्ते ताऊस के नाम से भी जानते हैं इसे जल्दबाजी में कई लोग अहमद शाह क्यों लगाएंगे क्योंकि अभी वो संजय दत्त वाली पिक्चर आई थी वो बात दिमाग में घूम रही होगी तो कहेंगे यही टिक मार के आगे बढ़ जाते ऐसे कैसे आगे बढ़ जाओगे भैया गौरी सब लुटेरा टाइप के व्यक्ति जितने नाम लिखे हैं चारों लुटेरा थे खाली ये भारत को लूटना ही चाहते थे इसको गौरी ने गौरी लिखो ठीक है ना ये लूटने के ही चक्कर में लगे रहते थे चलिए हाल ही में चर्चा में आए अंतिम पंघाल कौन सा खेल खेलते हैं बताइएगा अंतिम पंघाल जी कौन सा खेल खेलते हैं तो अंतिम पंघाल जी खेल खेलते हैं कुश्ती ठीक है ना कौन सा खेल खेलते हैं कुश्ती खेल खेलते हैं नेक्स्ट भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा वन्य जीव अभ्यारण है जहां गैंडे के संरक्षण की परियोजना चल रही है बांदीपुर पेरियार काजीरंगा या गिर सर यह परियोजना चलाई जा रही है बच्चा बच्चा रटा होगा काजीरंगा जो एक सिंह वाले गैंडो का क्या माना जाता है रायना सोर्स का आपके प्लेस भी माना जाता है स्थानीय निवास भी माना जाता है बांदीपुर कर्नाटक में पड़ता है गिर गुजरात में पड़ता है पेरियार जरा बताना कहां पड़ता है तो चलो एक हिंट भी दे दिया साउथ में कुछ ऐसे भी हिंट दे दिया केरल तमिलनाडु आंध्र प्रदेश अरुणाचल ऐसे करते हैं ठीक तो है ना अरुणाचल तो खैर कहना ही नीचे साउथ कहने के बाद किसी संस्था की लाभ प्रदता निर्भर करती है कोई संस्था प्रॉफिटेबल होगी या उसके किस पर निर्भर करती है बताइए ऑन द क्वालिटी ऑफ प्रोसेस ट्रस्ट ऑन अमाउंट ऑफ ट्रस्ट प्रोसेस ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ ट्रस्ट या ए और सी दोनों हालांकि ये क्वेश्चन ऐसा है जिसके लिए आपको कुछ विशेष पढ़ने की जरूरत नहीं है सामाजिक रूप से अवेयर लोग इसका आंसर कर देंगे और इसका राइट right आंसर है ऑन द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ ट्रस्ट आज अब हम ही लोग हम क्या, हम आपको बहुत अच्छा पढ़ाएंगे लेकिन जल्दी जल्दी उसका रिजल्ट भी थे अच्छा पढ़ाने पढ़ाएंगे दस साल बाद पढ़ाएंगे इसका क्या मतलब है अगला पॉइंट विशुद्ध रूप से संगमरमर का गुंबद इनमें से किस मुगल इमारत में सबसे पहले देखा गया था बताइए तो भारत में इस्लामिक परंपरा के अनुसार गुंबद जो संगमरमर का बना वो बना था आपके दौला का अगर सिर्फ बात कर देता गुंबद तो वो हुमायूं के मकबरा का बना था सिर्फ अगर गुमबद की बात करता लेकिन इसने बात किया पूरे के पूरे इमारत की और अगर पूरे इमारत का बना तो पूर्ण रूप से सफेद संगमरमर से बना एहतमाद का मकबरा था जिसे आप मिनी ताजमहल भी कहते हैं इसे आप मिनी ताजमहल भी कहते हैं जो आगरा में है बनवाने वाली कौन एतमादुद्दौला या फिर इसका ओरिजिनल नाम हुआ करता था गियास बेग ठीक है ना अगर कभी पेपर में पूछे कि इसका ओरिजिनल नाम क्या था तो वो भी आप याद रखिएगा गियास बेग था ये नूर जहां का पिता था ठीक है ना नूर का पिता और नूर जहां ने ही अपने पिता की याद में क्या बनवाया था एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया था ये वही नूर जहां है जो जहांगीर की पत्नी थी इसे नूरजहां नूर महल र, और, और प्रयाग ज्योति और एक और दो नाम से और इसको बुलाया गया है खैर कभी याद आया तो आपको बता दूंगा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन है यह क्वेश्चन गया करेंट अफेयर की तरफ सबसे मूल्यवान कंपनी हाल फिलहाल में टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़ को बोला गया है जिसके आप रतन टाटा जी को कई एंगल से और कई विविध रूपों में मानवता के लिए आप उनको जानते होंगे अगला नद का पिघलना वो जो ग्लेशियर्स नहीं होते बर्फ के बड़े बड़े चट्टान उनको हिमनद या ग्लेशियर कहा जाता है सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना है हिमनद से जुड़ी यह घटना अधिकतर कहां पाई जाती है ग्रीनलैंड में साउथ पोल पे हिमालय में या फिर नॉर्थ पोल पे बताइएगा तो अक्सर जो ग्लेशियर्स हैं वो कहाँ पिघल रहे हैं नॉर्दर्न पोल के उत्तरी ध्रुव के अगला सांची का स्तूप किसने बनवाया था सर सांची जो कि विश्व धरोहर स्थल भी है आपके पड़ता है मध्य प्रदेश में भोपाल से 40-50 किलोमीटर दूर सांची और इसको बनवाने वाला कौन था अशोक था अशोक ने कई स्तूप बनवाए हैं उनमें से एक सांची का स्तूप है है कहा जाता है कि यहां पे महात्मा बुद्ध के, के अवशेष रखे हुए हैं यहाँ पे बोधि वृक्ष भी लगाए हुए हैं चलिए अब बाई रोड भी गुजरोगे सांची से ना तो दूर पहाड़ पे दिख जाता है अगला पॉइंट पे आते हैं डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहा की गई डॉल्फिन से एक बात याद रखेगा गंगेटिक डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का राजकीय जली जीव घोषित किया गया है वहीं घोल मछली की प्रजाति को गुजरात राज्य का राजकीय जीव घोषित किया गया है और डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ये कहां पे है पटना में पड़ता है ठीक है ना डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहां पे है तो पटना में पड़ता है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे है सर अर्जुन हमेशा किसके साथ रहे कृष्ण के साथ रहे तो नागार्जुन सागर किस पर है कृष्णा नदी पर है और इसी कृष्णा नदी के किनारे कौन सा शहर बसे हुआ है विजयवाड़ा और ये जो विजयवाड़ा है सर इसी को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का 2023 का अवार्ड दिया गया है रेलवे स्टेशन को ठीक है ना तो करेंट अफेयर भी पढ़िए हिस्ट्री भी पढ़िए और जियोग्राफी भी पढ़िए सारी चीजों को एक साथ लेकर के चलते हैं और कृष्णा से याद रखेंगे कृष्ण का युद्ध कृष्ण का युद्ध कब हुआ था सर ये वही है ना जिसे हम बनी का का युद का युद्ध 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 राक्षसी तांगड़ी या तालीकोटा कहते हैं तब तो पंद्रह सौ पैंसठ ईस्वी में हुआ था विजयनगर साम्राज्य और बहमनी के बीच में जिसमें विजयनगर जीते थे और विजयनगर के अवशेष कहां पाए जाते हैं हम्पी ठीक है अगला पॉइंट पे आएंगे और देखेंगे कि अगला पॉइंट क्या रहेगा तो यह इसका राइट आंसर हो गया बी ऑप्शन भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है बताइए कौन सा मूल अधिकार नहीं है सर एक बात जान लीजिए आपका जो ये है सूचना का अधिकार मूल अधिकार नहीं क्योंकि शिक्षा का अधिकार तो 21 ए में जुड़ गया भाषण का अधिकार 19 ए 19 ए में है जीवन का अधिकार ये तो सर आपके आर्टिकल 21 के अंतर्गत है ये वाला जो एक आर्टिकल है मैं कसम बताऊं पूरे संविधान पे ये भारी पड़ता है पूरे संविधान पे भारी पड़ता है अगर मुझसे कोई कभी कहे कि पूरे संविधान का एक आर्टिकल चुनो जो तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें सरवाइव करवा देगा अच्छे से तो मैं आर्टिकल इक्कीस को चुन लूंगा भाई इसमें इतने अधिकार हैं इतने अधिकार हैं कि रोड पे तुम चलते हुए कोई बीड़ी सिगरेट नहीं पी सकता तुमको भारत सरकार पानी खाना एजुकेशन सब देगी सब इसी के अंदर घुस गया है समझ रहे हो जीवन जीने का अधिकार चलिए अगले बात पे जाएंगे सूचना का अधिकार बेसिक फंडामेंटल राइट ही तो 2005 में जब कांग्रेस की सरकार थी मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे उस समय ये आया था भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है गार्जियन अब सर आपका आर्टिकल 21 क्यों प्रभावित कर दे किसी भी व्यक्ति का उस स्थिति में उसकी बचाव कौन करेगा तो सर उसका बचाव तो एक ही आदमी कर सकता है और वो है भारत का मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्योंकि सर ये क्या करेगा आर्टिकल थर्टी टू के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट क्या जारी कर देती है रीट जारी कर देती है चलिए अगले पॉइंट पे आएंगे ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां पे है मैच की तो इस समय वो दुर्गति हो रही है आप लोग अभी लेटेस्ट वाला भारत ऑस्ट्रेलिया का टी ट्वेंटी देखे होंगे क्या स्थिति बनी याद है ना जो लोग कल रात में जगे होंगे शायद देखे होंगे 222 रन आखिरी के नौ गेंद पे 35 रन भी बन जा रहा है क्या कर रहे वर्ल्ड कप के हार की याद दिलवा दिए कल का मैच अगर आप देखे हो तो भारत वर्ल्ड कप में कैसे हारा था उसकी दोबारा याद कल ताजा की गई वही ऑस्ट्रेलिया वाले धर के रगड़ दिए सब अब वही ग्लेन मैक्सवेल खड़ा था जो अफगानिस्तान के खिलाफ दो रन मार दिया था ग्रीन पार्क स्टेडियम सर कानपुर में है ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां पे है कानपुर में है रोलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था लड़कियों तुम लोग तो इसको जरूर याद रखो इसी जो 1919 सौ ईस्वी की अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंतर्गत क्या हुआ था वोट देने का अधिकार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था राइट मिला था महिलाओं को ठीक है ना वोट देने का अधिकार किसको महिला को आ, महिला ठीक है ना महिलाओं को वोट देने का अधिकार और उ, उस समय हुआ करता था ठीक है ना और एक बात मैं और कहना चाहूंगा ये जो लार्ड लार्ड लिखा हुआ है जानबूझ करके मुझे भी दो चार आते हैं सलाह देने कि सर इनके नाम क्या आगे लार्ड मत लगाया करो पहली बात तुम्हें ये बता दूं लॉर्ड मतलब होता है सुप्रीम गॉड मतलब होता है भगवान ठीक है ना गॉड मतलब होता है भगवान ना कि लॉर्ड मतलब होता है भगवान लॉर्ड मतलब होता है सुप्रीम पावर अब वो अलग की बात है कि हम सबसे अपने से इसको जोड़ते हैं पहले कि लॉर्ड मतलब भगवान तीसरी चौथी के मास्टर साहब लोगों ने पढ़ा दिया लॉर्ड मतलब भगवान अरे गॉड मतलब भगवान होता है और फिर खुद को हम लोग ऑफेंसिव माल यार हम लॉर्ड बोल दिए अंग्रेज को कितना बड़ा अपराध कर दिए हम अब कुछ लोग समझा भी देते हैं लॉर्ड मत बोला करो ठीक हाँ है ना हमको भी कोई शौक नहीं चढ़ा इनको लॉर्ड बोलने का कि हम इनको लॉर्ड बोलने जाए लेकिन बात समझना गॉड मतलब भगवान होता है लॉर्ड मतलब वो लोकल किताबों में लिखा खोज लेना ठीक से भगवान इसका मतलब नहीं होता है तो खुद को खुद से दोषी मत मान लिया करो कि हम लॉर्ड नहीं बोलेंगे सर नहीं बोलेंगे देशभक्त हो जाएंगे हो जाइए मेरा भी कोई शौक नहीं है पांच बार इनको मैं मारू पांच बार इनको मैं काटू लेकिन यह मैं तुम लोगों के लिए बता रहा हूं माई लॉर्ड वो कोर्ट में कहा जाता है जज के लिए जो सुप्रीम है जो न्याय दिला रहा है ये जबरदस्ती का जोड़ा गया शब्द है और खुद को देशभक्त दिखाने का एक तरीका है कि हम लॉर्ड नहीं देशभक्ति दिखाने के सौ तरीके मौजूद हैं यही एक तरीका नहीं मौजूद है लेकिन फिर भी मैं अपनी और आपकी दोनों की इच्छाओं की, की पूर्ति के लिए कहता हूं मत लिखो ससुरों को लॉर्ड हमको कौन सा फर्क पड़ रहा है कौन से हमारे मऊसाएं की इनका हम बड़ा ध्यान दें लेकिन गॉड मतलब भगवान होता है तो जानबूझ करके इतिहास को तोड़ मरोड़ देना ये सही नहीं है ठीक है ना ये बिल्कुल भी सही नहीं है नहीं बोलना है मत बोलो किनारे करो ये कौन नालायक टाइप के सब अंग्रेज इनसे हम लोग का कौन सा मतलब है लेकिन जबरदस्ती भगवान से जोड़ लो ये वो भक्त तरीका ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं मैं देखता हूं कभी कभी वीडियो पे आते एक हमको सलाह एक दिन दिया था सर लॉर्ड मत बोलिएगा हमको अरे ल ठीक है नहीं बोल रहे हैं हमको कौन सा बार बार कह रहा हूं कि इन ससुरों से हमको कौन सा मतलब है चलेगा ये सब नालायक टाइप के शोषण करने वाले नालायक व्यक्ति थे ये सब मानव पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था ह्यूमन इन्वायरमेंट भैया ये बहुत बड़ा सम्मेलन था ये हुआ था स्टॉक होम में ठीक है ना स्टॉक होम में अगला स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होता है अब देखो सोना से कितना क्वेश्चन आता है उसमें तुमसे पूछ देगा हरा सोना क्या है काला सोना क्या है द्रव सोना क्या है सफेद सोना क्या है झूठों का सोना क्या है ठीक है ना झूठों का सोना झूठों का सोना ये क्या है ये ऐसे कई सोना होते हैं भैया एक आपके भी सोना होते हैं है। और एक हम लोग का भी सोना होता है हमारा सोना तो रात के साढ़े दस बजे हो जाता है कि भैया साढ़े दस बजे सो जाओ सुबह में आठ बजे उठ करके करेंट अफेयर पढ़ाना है ये सोना है स्लीप ठीक है ना ये स्लिप वाला सोना ये वाला तो आप अंतरराष्ट्रीय लेवल का सोना है ये आप देख लीजिए सोना बाबू है? अब भी सोना ने छोना मेला बाबू ला ला मेरा वर्ड नहीं होता है मेरा इसकी जगह वर्ड होता है मेला ये ला मेला आ सोना बाय बाबू ले जो मेला बाबू वाले हैं ना मेला बाबू खाना खाया बाबू कहीं का खाना खाने लायक जिंदगी भर छोड़ते नहीं है समझ रहे हो ना तो मेला बाबू के चक्कर में मत पड़ो हाई सब सोना पढ़ लो काम आएगा जब हरा सोना है तो कह दो भैया चाय की पत्ती हम तो खूब चाय पी रहे हैं आजकल काला सोना है तो कह दो कोयला द्रव सोना है तो कह दो पेट्रोल ये वाला सोना काम आएगा ठीक है ना सफेद सोना झूठों का सोना आयरन पायराइट समझ रहे ये सही सोना है हाई वाला नहीं है मोबाइल बंद करोगे तो ये वाला सोना भी मिलेगा हमसे आज एक लोग पूछ रहे थे सर आप बजे उठ जाते करंट अफेयर पढ़ाने के लिए हम कहा उठ जाते हैं क्योंकि हम साढ़े दस ग्यारह बजे तो सो जाते हैं हमारे पास ई वाला सोना बहुत अच्छा मौजूद है स्लिप जिसका ई वाला सोना मेला बाबू खाना खाया बस समझ लो खाना काम गड़बड़ाया आओ खैर तो स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होता है ये सर अंतरराष्ट्रीय मार्केट से जैसे स्पेशल ड्राइंग राइट एसडीआर आईएमएफ की मनी है इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड जो होता है आईएमएफ वर्ल्ड बैंक आईएमएफ की मनी क्या है एसडीआर एसडीआर ये स्पेशल ड्राइंग राइट जो कि एक ग्राम सोने के वैल्यू के बराबर होती है ठीक है ना इसको पेपर करेंसी भी कहा जाता है आईएमएफ की ये मनी है अगले पॉइंट पे आएंगे द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन भी आपके पेपर में रहेंगे अब बताओ क्या कह रहा है बाइलेटर मतलब इसमें दूठो होते हैं तो द्विपक्षीय बाजार बाजार सर द्विपक्षीय होता है एक एक विक्रेता क्रेता हम लेके आ आलू किलो कोई खरीदने वाला नहीं है तो ये द्विपक्षीय नहीं सर द्विपक्ष का मतलब एक विक्रेता एक क्रेता एक सेलर एक बायर ये हुआ द्विपक्षी ठीक है ना अगले पॉइंट पे आते हैं बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया सर बाजार का नियम दिया था जेबी से अच्छा ऐसा एक क्वेश्चन हिस्ट्री में खूब आता है बाजार रिफॉर्म या बाजार सुधार के लिए कौन सा शासक सर्वाधिक फेमस है बताओ सल्तनत काल में है बाय द हेल्प ऑफ प्राइस कंट्रोल सिस्टम मूल्य नियंत्रण प्रणाली लगा करके उसने मार्केट रिफॉर्म किया था और वो कोई और नहीं सर अलाउद्दीन खिलजी हुआ करता था ठीक है ना अलाउद्दीन खिलजी ये बाजार सुधार के लिए बहुत जाना गया है ये बात भी याद रखिएगा अगले क्वेश्चन पे आते हैं लल्ला भारत की संविधान सभा किसके प्रस्ताव पर बनाई गई थी सर अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने संविधान दिवस भी मनाया है ठीक है ना संविधान दिवस भी मनाया है संविधान दिवस साथ ही साथ सर हम लोगों के संविधान के संविधान सभा की अगर हम लोग बात कर दें तो उसके उपाध्यक्ष कौन थे तो सर उसके उपाध्यक्ष एच सी मुखर्जी जी हुआ करते थे क्योंकि सर अध्यक्ष हम लोग रटे रहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एच सी मुखर्जी और वी टी कृष्णाचारी दो लोग हुआ करते थे ठीक है ना और भारतीय संविधान सभा किसके प्रस्ताव पर बनाई गई थी वैसे तो कैबिनेट मिशन प्लान लेकिन संविधान सभा का जो औपचारिक विचार था वो तो सर एम एन रॉय ने ही दे दिया था 1934 में में वो तो अंग्रेजों को अपना क्रेडिट लेना था इस चक्कर ससुरे कहे कैबिनेट मिशन प्लान और संविधान सभा का एक सदस्य दस लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति हुआ करता था मतलब भारतीय दस लाख की जनसंख्या का रिप्रेजेंटेटर एक व्यक्ति हुआ करता था ऐसा इसमें लिखा है मेंशन है जरूरत है समझ लीजिएगा ठीक है तो ये 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 बातें आपको ध्यान होनी चाहिए चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं राज्य का अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन है एक बात तुमको और बताते हैं जब आप संविधान पढ़ते हो संसद पढ़ते हो और विदेश के बारे में पढ़ते हो वहां पे राज्य का तात्पर्य देश से होता है ये बात याद रखना अब उसको यूपीएम बिहार कर्नाटक अरुणाचल प्रदेश त्रिपुरा नागालैंड मेघालय मत समझ लेना तो राज्य का अनिवार्य तत्व तो कौन सा है डी ऑप्शन ये सभी उसका क्षेत्र उसकी गवर्नेंस उसकी प्रभुसत्ता ये सब उसके अनिवार्य तत्व हैं। अगला पॉइंट निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है बताइएगा ताना भगत आंदोलन के साथ कौन सी जनजाति जुड़ी हुई है सोचिए समझिए और बताइए सर ताना भगत आंदोलन के साथ उड़ाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नौजवान भारत सभा किसने स्थापित किया था सर नौजवान भारत सभा 1926 ईस्वी में स्थापित हुई थी और इसको स्थापित किया था सरदार भगत सिंह जी ने सरदार भगत सिंह जो कि सर इनके द्वारा लिखी हुई सरदार भगत सिंह जी के द्वारा लिखी हुई किताब है वाई आई एम एन एथिस्ट मैं नास्तिक क्यों हूं और इन्होंने ये जो नौजवान भारत सभा है इसका आगे चल के उन्नीस में विलय कर दिया था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के साथ और एक नई पार्टी बन गई थी ये और पंडित जी पंडित जी मतलब पंडित चंद्रशेखर आजाद जी मिलकर के दिल्ली के फिरोज कोटला में एक पार्टी बना लिए थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन अगला क्वेश्चन बुद्ध धम और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं सर यह तो रटा हुआ है त्रि रत्न कहलाते हैं बुद्ध धम और संघ त्रिमूर्ति हिंदू धर्मावलंबियों में ब्रह्मा विष्णु महेश है ठीक है ना ब्रह्मा विष्णु महेश है अगला फोवर्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक किसने लिखा है ठीक है ना तो ये किसने लिखा है सर ये लिखा हुआ है श्री रंगराजन ने भूतपूर्व जो आपके आरबीआई गवर्नर किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं बताइएगा कल हम लोग वो बीही अमरूद गोवा खा रहे थे तो एक लोगों ने पूछा इसी हमको लगता है उनको जानकारी रहे वो पूछ दिया कि वो गरीबों का सेव किसे कहते हैं तो वही अमरूद को ही कहते हैं गरीबों की गाय किसे कहते हैं तो बकरी को कहते हैं ठीक है ना एक और होता है गरीबों की कथक कली किस त्योहार को कहते हैं ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन है आप देखिए उठा करके सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है सर सतपुड़ा की रानी कही जाती है पचमढ़ी को यह पचमढ़ी कहा पड़ता है सर पचमढ़ी पड़ता है मध्य प्रदेश में यहां का कहा जाता है ये बहुत अच्छा पर्यटक प्लेस है यहां का जो सुबह होता है सूर्योदय सनराइजिंग देखने लायक होता है नेक्स्ट पॉइंट पे कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कलकत्ता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है बताइए कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कलकत्ता को जोड़ता है तो सर यह आपके जोड़ता है बी ऑप्शन एन एच टू एक्चुअली देखो तुम एक को लाइन ऐसे खींच लो खींच लिए सर एन एच याद करने का तरीका एक पॉइंट इसके जस्ट नीचे से एक लाइन यहां से ऐसे खींचो ऐसे खींचो और ऐसे मिला दो ठीक है ठीक है सर यहां पे आपका चार कोने पे चार रख दो तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा सर मुंबई हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा सर अगर दक्षिण चेन्नई हो जाएगा सर चेन्नई यहाँ पे क्या हो जाएगा कलकत्ता हो जाएगा सर और यहाँ पे अगर आ जाओगे तो यहाँ पे दिल्ली हो जाएगा ठीक है दिल्ली और ये भारत का दिल्ली से पंजाब साइड बाहर निकलो तो अमृतसर हो जाता है बाघा बॉर्डर जिधर पड़ता है और यहां पे आपके आगरा खत्म आपका एनएच सारा खत्म ये 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 आपके आपके है 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 और दोनों को मुंबई से कलकत्ता को मिला दो सिक्स है आगरा के पास ही उत्तर प्रदेश में पड़ता है वाराणसी से चेन्नई के नीचे आ जाओ कन्याकुमारी इसको मिला दो सेवन है बस हो गया अब कह रहा है कि कौन सा राजमार्ग दिल्ली और कलकत्ता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते जोड़ता है दिल्ली यहां से और कलकत्ता को मथुरा और वाराणसी यही कहीं पढ़ रहा है मथुरा वाराणसी दिल्ली से कलकत्ता किससे जुड़ रहा है एनएच टू से जुड़ रहा है ये रहा एनएच टू ठीक है ना ये रहा एन टू ठीक है ना अगला पॉइंट निम्नलिखित में से किस तिथि को बिहार राज्य सरकार द्वारा मेघा दिवस मनाने के लिए निर्णय अभी कोई मेघा लड़की नहीं है टैलेंट की बात है नहीं आदेश मेघा के नाम से मनाया जाएगा पल्लवी के नाम से नहीं मनाएंगे प्रियंका के नाम से नहीं सालनी के नाम से नहीं पूजा के नाम से नहीं सपना के नाम से नहीं सोनम के नाम से नहीं अरे मनाएंगे ना पहले मेघा टैलेंट के ऊपर बात है तो मेघा दिवस मनाया जा रहा है तीन दिसंबर को ठीक है ना चलिए अगले क्वेश्चन पे लाते हैं अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है बताइए अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं बहुत सोच समझ के बताइएगा अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं सर अजंता एलोरा ये सब जितनी है सर ये सब संबंधित है डी ऑप्शन गुप्त काल से ही गुप्त काल वाले बड़े लल्लन टॉप टाइप के व्यक्ति थे मैं बताऊं यही हैं जिनके समय मंदिर बनाने की कला आ गई थी ऐसे तुम लोग पढ़ते हो ना अच्छा हमें बताओ ये हनुमान जी किस देवता के अवतार माने जाते हैं आप कहोगे सर शंकर जी के राम जी किस देवता के अवतार आव, माने जाते हैं विष्णु जी के भगवान श्री कृष्ण किस देवता के अवतार माने जाते हैं विष्णु जी के मतलब ये जो अवतारवाद का सिद्धांत है ये भी कभी कभी आता है कि अवतारवाद का सिद्धांत किस वंश के समय सबसे अच्छे से पनपा उसका भी आंसर गुप्त काल है इनकी जो ऑफिशियल भाषा हुआ करती थी गुप्त वालों की वो संस्कृत हुआ करती थी इनके समय के चांदी के सिक्के को रुपयका कहा जाता था सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था ये गुप्त वर्ष का संस्थापक कौन था सर श्री गुप्त था सर रियल संस्थापक कौन था चंद्रगुप्त प्रथम था ऐसे छोटे छोटे न जाने कितने क्वेश्चन इसमें भरे रहते हैं इस गुप्त वंश में भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है और डी ऑप्शन इसका करेक्ट है हाल ही में जारी की गई वैश्विक नवाचार सूचकांक में मतलब इनिशिएटिव इनोवेटिव नया नया चीजों लाने के लिए कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है तो सर ये ऑप्शन चालीसवां ठीक है ना चालीसवां अगले क्वेश्चन पे आएंगे लल्ला निम्न में से कौन सी ठंडी महासागरी धारा नहीं है देखो जल की धाराएं सागरी धाराएं दो प्रकार की होती है एक ठंडी एक गर्म नहीं लेब्राडोर क्यूरोसियो ये सब है ना कैलिफोर्निया ओएसियो ये सब तो सर इसमें से ठंडी जल धारा नहीं है क्यूरोसियो बहुत गर्म है भैया अगले पॉइंट में आएंगे हेलेंस की राजधानी है अच्छा बताओ मेडागास्कर की राजधानी क्या है मेडागास्कर नहीं पता ना कल सुबह आठ बजे करंट अफेयर में आपको बताऊंगा कि तीसरी बार मेडागास्कर के नए राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं आपसे अगर मैं पूछूंगा कि जरा बताओ मरियम डिक्शनरी जो कि अमेरिकन बेस्ड है जॉर्ज मरियम जिसके फाउंडर हैं उसका वर्ड ऑफ द ईयर क्या चुना गया नहीं पता ना कल सुबह करंट अफेयर में बता दूंगा तो मेरी बात मानो सुबह आठ एम का करंट अफेयर अब दो तीन महीना लगातार रगड़ करके पढ़ लो क्योंकि ये आपको नंबर दिलवाएगा हेलिस्की कहां की राजधानी है सर सर फिनलैंड की हैप्पीनेस इंडेक्स में 2023 के प्रसन्नता सूचकांक में फर्स्ट पोजीशन पे है ठीक है ना और आइसलैंड जिसके सर पे आइस रहेगा बर्फ रहेगा ठंडा ठंडा कूल रहेगा वो स्वतंत्रता शांति सूचकांक में तो आइसलैंड को याद रखना शांति आइस पे फिनलैंड फन में है तो प्रसन्नता में फर्स्ट पोजीशन पे ठीक है ना प्रसन्नता में फर्स्ट पोजीशन पे ऐसे याद रखेंगे अगला हाल ही में माकोनी पुरस्कार दो से किसे सम्मानित किया गया आज डेविस कप भी हो गया डेविस कप का विजेता कौन है बताइए या फिर यह कौन सा संस्करण था डेविस कप एक सौ ग्यारहवा संस्करण था ऑस्ट्रेलिया हारा है कौन सा देश जीता है इटली जीता है सैतालीस साल बाद जीता है कल इसके बारे में सुबह आठ बजे डिटेल में बात किया जाएगा माकोनी पुरस्कार जो है बी ऑप्शन हरि बाल कृष्णन अगला निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिया था सर वो तो रटा हुआ है ना सर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बाबा साहेब इनकी सात फुट ऊंची मूर्ति अभी दो चार दिन पहले हमारे देश के उसमें सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है इनकी द्वारा रचित मूक नायक अत्यंत प्रसिद्ध और आ, फेमस किताब है अगला पॉइंट तो ये हुआ इसका भी अगला भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है बताइएगा भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है सोच so, समझ के बताना भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर सर भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर है अप्सरा समझे अप्सरा अगले पॉइंट पे आ जाओ मनुष्य को चंद्रमा पर ले जाने वाला अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप किस कंपनी ने बनाया अच्छा देखो क्वेश्चन टफ नहीं है क्योंकि आपका एग्जाम जीडी का है और जीडी के एग्जाम में आप इस तरीके की चीजें ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली वो दसवीं लेवल का एग्जाम है उसको यूपीएससी समझ करके मत देने लगना ये बात याद रखना तो मनुष्य को चंद्रमा पर ले जाने वाला स्पेस पहली जी ट्रेनिंग लैब और फाइव हेल्थ लॉन्च किया गया है तो भारत की पहली 5G ट्रेनिंग लैब और 5G हेल्थ लॉन्च किया गया है डी ऑप्शन जी किशन रेड्डी जी के द्वारा ठीक है ना जी किशन रेड्डी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है पचासवा प्रश्न हाल ही में किसे संघ लोक सेवा आयोग के देखो मैं पूरा साइंस हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी करेंट अफेयर का एक पूरा कॉम्बिनेशन आपको सात से आठ में प्रैक्टिस करवाता हूं ठीक है ना बताइए हाल ही में किसे संघ भैया संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं दिनेश दास जी ठीक है दिनेश दास जी बने हैं संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष पचास क्वेश्चन हो गया यहां से हम लोग चाहें तो एक छोटा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन भी ले सकते हैं ठीक है ना रिवीजन भी ले सकते हैं लेकिन मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं ठीक है अब हम लोग करीब 40 मिनट पढ़ लिए हैं उसके बाद थोड़ा सा मेंटल रिलैक्स चाहिए एक मेरा और आई को लेकर सेशन लगा हुआ है तो उसमें जो लोग ग्रेजुएट होंगे वही लोग आएंगे लेकिन यहां पे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दू लल्ला कि आपके लिए आ, ये आज अड्डा स्टोर पे आप जाएंगे आज डबल वैलिडिटी चल रही इसलिए मैं एसएससी जीडी के बारे में आपको बताना चाहूंगा ऑल कोर्सेज पे जाइए एसएससी पे जाइए एसएससी जीडी पे जाइए आज एसएससी जीडी पे, पे मैं आपसे ये नहीं कहूंगा आ, देखो महापैक पे भी डबल वैलिडिटी है बैच के ऊपर भी डबल वैलिडिटी है फरवरी के बाद इसका एग्जाम है आपको लगता है कि सर नेक्स्ट ईयर के लिए भी हम तैयार रहे तो ले लीजिए डबल वैलिडिटी वाला बैच अगर आपको लगता है कि सर इस बार आर या पार, तो ये बैच आपको पांच में नहीं पड़ेगा आप मेरा कहा मान लीजिए आपको सिर्फ और सिर्फ मेरा कूपन कोड उपयोग करना है यह पांच में से भी कम हो जाएगा इसी बैच की दुगुनी वैलिडिटी रहेगी कूपन कोड लगाने में गलती मत करना Y182 ये है वो कूपन कोड जो मेरा है इस कूपन कोड के थ्रू आप मेरे संपर्क में बने रहते हैं और याद रखिएगा इस बैच में आपको पूरी एस एस सी अड्डा की टीम और सिलेक्शन लेने वाले एक बार आर या पार कर ले तो ले लेंगे और जबकि यह भी डबल वैलिडिटी में है तो मैं आपसे कतई नहीं कहूंगा कि आप 20 बार हमारे पास आए 20 बार अगर आप 20 बार पढ़ने वाले जब आपको 19 नहीं निकला तो मुझे नहीं उम्मीद है कि बीसवीं बार में निकलेगा एक जनरल बात यार फ्रेश बात ईमानदारी वाली बात हाँ मोटिवेट करने के लिए मैं कह दू अरे बेटा सौ साल एग्जाम दो एक सौ एकवे साल तो निकल जाएगा वो एक अलग बात होगी और जो मेहनत कर दे वो एक बार में ना निकाल दे तो नाम बदल जाएगा एक आध बार गलती भी हो सकती है अगली बार निकाल लेगा सिलेबस तो एक बार में तैयार हो गया ना उसका मत लगाओ बहुत ज्यादा पैसा मैं बात आपसे कह रहा हूं ये पांच सौ निन्यानवे का भी नहीं पड़ेगा अठहत्तर परसेंट इसके ऊपर ऑफ है इस कोड से मैक्सिमम ऑफ है आप इस बैच से एक बस जुड़ जाओ कल से ये बैच शुरू हो रहा है कल से मैं भी इसमें पढ़ा रहा हूं तो मेरा आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज और प्लीज इस बैच के साथ जुड़ जाइए ठीक है ना इस बैच के साथ जुड़ जाइए और आप में से जितने लोग ग्रेजुएट हो जितने लोग ग्रेजुएट हो कल आखिरी मौका है आई से जुड़ने का ठीक है ना ये अभी आई के बारे में मैं आपको कुछ जरूरी जानकारी साझा करने वाला हूं उसमें आप जुड़ जाइए थोड़ा सा अभी इसको इंड करके मैं अब जुड़ रहा हूं आई में जो लोग ग्रेजुएट हैं सिर्फ वही जुड़िएगा ठीक है ना क्योंकि आई सिर्फ ग्रेजुएट स्टूडेंट दे सकते हैं तो नमस्कार धन्यवाद जय हिंद जय भारत और आईबी uh, में जुड़िएगा लेकिन आप लोगों के लिए मेरा जो छोटा सा एस एस वालों के लिए जो मेरा एक रिक्वेस्ट है वो यही है कि देखो डबल वैलिडिटी चल रही है आप चाहें तो महापैक चाहे तो आप इसको क्या कहते हैं वीर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और हमेशा की तरह एक ही बात एक ही नारा कि सर सेलेक्शन हो हमारा हमारा से मतलब हमारा नहीं हम जीडी नहीं भर रहे हैं आपका हमारी तो एज भी नहीं है ठीक है ना तो आपका सिलेक्शन होना चाहिए आज इस बैच से जुड़ जाना और यार इस बार छब्बीस हजार वैकेंसी आई है यह है कूपन को ठीक है ना थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर धन्यवाद जय हिंद जय भारत एक सेशन लगा